मुख्यमंत्री धामी ने रानीबाग स्थित HMT घड़ी कारखाने का निरीक्षण किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि घड़ी कारखाने की राज्य सरकार को हस्तांतरित होने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। अब यहां वास्तु स्थिति का आंकलन करते हुए सोचा जाएगा कि क्या चीज यहां स्थापित की जाए। वहीं उन्होंने इशारों में किसी औद्योग कारखाने को स्थापित करे जाने की बात कही है। इधर परीक्षा घोटाले के आरोपियों को बेल मिल जाने पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के समक्ष मामला है, लेकिन राज्य सरकार अपने तरीके से लगातार दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयासरत है। वहीं राज्य में ब्रिटिश काल से चले आ रहे क्षेत्रों के नाम को बदले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में जिन नामों से हमें ब्रिटिश कालीन शासन का बोध होता रहे, ऐसे नामों को परिवर्तन किया जाना जरूरी है। काफी समय से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि HMT फैक्ट्री की जमीन है वो राज्य सरकार को मिल गई है, राज्य सरकार को जमीन मिल गई है और उसका जो भी कंपनसेशन था वो हमारी सरकार की तरफ से जमा करवा दिया गया। इसके लिए पूरा हम बृहद एक मास्टर प्लान के तहत या सभी विश्लेषण करने के बाद तो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद उसका काम में आपने बड़ी कार्रवाई की, लेकिन उसके आरोपियों को जमानत मिल जा रही है। देखिए हमने कहा है कि चूंकि वो माननीय न्यायालय के अब समक्ष है, उसके बावजूद भी सख्त से सख्त कार्रवाई, जो भी वैधानिक जो जरूरतें हैं उसको वैधानिक जानकारी लेकर, उसकी राय लेकर, उस पर हमारा जो भी प्रशासन है, जो लोग उस जांच में लगे हुए हैं, वो आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड राज्य को देखते हुए यहाँ पर जो नाम बदलने की जो आप कवायद कर रहे हैं जगह जगह, उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अंग्रेजों के समय से जो नाम चलते आ रहे हैं? नहीं देखिए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, इस प्रकार के नाम नहीं होने चाहिए। ये हमारे आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल में हम नामों के साथ कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। सर, सीएम साहब कल से खुद आप सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो टनकपुर से यहाँ तक हो, उसके बाद भी सड़कों आपने खुद निरीक्षण किया, किस तरह के निर्देश हैं अधिकारियों को भी? नहीं, हमने कहा है कि जो भी अधिकारी जिसके लिए जो जिम्मेदारी जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से ठीक प्रकार से काम करें, ठीक प्रकार से तय समय सीमा पर काम हो, फील्ड में उतरें, जाएं और लगातार भ्रमण करें, जन चौपाल लगाएं, समाधान करें लोगों की समस्याओं को, और कहीं पर भी जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान मौके पर ही करें। और मौके के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो जिस काम के लिए बना हुआ है या जिसकी जिस काम के प्रति उत्तरदायित्व तो है, अगर वो नहीं करते हैं तो उसका संज्ञान लेकर ठीक से कार्रवाई करेंगे। चलिए।